मैं देखूंगा ये प्लांट को हम कैसे लगाया जा सकते हैं। हम लगाएंगे कैसे, पॉट में ही दिखाऊंगा। आपका ज़मीन है तो ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं। ज़मीन में जैसे पॉट में लगाता हूँ ऐसे ही ज़मीन में लगाइए। पहले दिखाता हूँ पॉट में कैसे लगाना है। पॉट में आप ऐसे ही मिलेगा, कोई कुछ नर्सरी इसको पैकेट में लगाते हैं, लगा के सही करते हैं। कुछ नर्सरी और इसको छोटा वाला पॉट में, मिट्टी का जो पॉट होता है उसमें डाल के सही करते हैं। तो ये देखिए, ये अराउंड 6 महीना हो गया इसका रूट, नया रूट निकलने बाद। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो पैकेट है वो पैकेट काट लिया। देखिए ये पैकेट काट लिया, आप इसको ये पॉट में, ये पॉट है 8 इंच पॉट, अभी इसमें डालेंगे क्योंकि 8 इंच पॉट में अच्छा होगा। क्योंकि ये जब थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मीन्स अराउंड ये अभी 1.5 फीट है, ये 1.5 फीट है, तो ये और बड़ा हो जाएगा, ऐसे 2 फीट 2.5 फीट हो जाए, 2.5 फीट ऐसे हो जाएगा। तब तो इसको फिर से वो चेंज कर देना है, इसका जो पॉट है फाइनल पॉट में लगा देना है। तो अभी इसमें मैं लगाऊंगा, कैसे लगाना है इसके लिए जो मिट्टी है, मिट्टी गुलगुली मिट्टी है, देखिए एकदम बड़ी 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 मिट्टी एकदम। ये लगाते हैं हम जब नर्सरी में तैयार करते हैं, इसमें बाली के काटिंग जो लगाते हैं, जो बालू में लगाता है, बालू मीन्स साइंस सैंड में, कोई रेत बोलता है क्यों बालू बोलता है, सैंड में लगाता है। उसके बाद जब रूट निकल आता है उसको थोड़ा मिट्टी दे के ऐसे पैकेट में डाल देते हैं हम। उसके बाद जब हम लगाएंगे, ये जो मिट्टी है, मिट्टी थोड़ा सैंडी होना चाहिए, सैंडी मीन्स पानी निकल जाना चाहिए इस मिट्टी से। उसके साथ हम क्या किया, ओनली कंपोस्ट, जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट मिला लिया, इसके साथ वर्मी कंपोस्ट मिला लिया, और कुछ नहीं है इसमें, और कोई खाद नहीं है, खाद बाद में दूंगा, अभी ओनली वर्मी कंपोस्ट मिला लिया। तो मिट्टी इसके पे लगा दिया, इसके साइड में हम मिट्टी डाल देंगे, ऐसे मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालते जाइए। ये जो लगाना है ये थोड़ा, ये जो पॉट का साइड है ना, साइड से थोड़ा नीचे करके लगाना है, क्योंकि इसमें पानी देना है, बहुत सारे पानी देना है, इसमें पानी का कमती हो जाएगा तो ये ठीक से ग्रोथ नहीं होगा इसका, तो पानी देना है इसलिए थोड़ा नीचे करके इसका जो लेवल है इससे थोड़ा नीचे लगाना है। देखिए थोड़ा नीचे लगाए, और इसमें हम मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालेंगे, हो गया, मिट्टी डाल दिया। अभी इसको थोड़ा रखना है, एक हाथ में कर रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ये बैठ जाएगा, ये मिट्टी और नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये मिट्टी पानी देने के बाद थोड़ा 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 बैठ जाएगा और नीचे चला जाएगा। अभी तो 1 इंच नीचे है, तो ये फिर और नीचे चला जाएगा, आहिस्ता 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 बैठ जाएगा ये मिट्टी, बस और कुछ नहीं देना है इसमें। अब पानी देना है, बहुत अच्छा से पानी देना है, पानी देने से क्या होगा, पानी इतना पानी देना है नीचे से निकल जाए, इतना पानी देना, पहले बार ऐसे ही करना। उसके बाद क्या करना है, 2 दिन ऐसे पानी मत देना, 2 दिन 3 दिन ऐसे देख लेना ये भीगा है या नहीं है, भीगा रहेगा तो पानी मत देना, तो थोड़ा सा सूख जाएगा तो उसमें पानी दे देना। पानी कितना देना है, पानी भरपूर देना है, एकदम भरपूर नीचे से निकल जाए ऐसे पानी देना है। उसके बाद 2 3 दिन आप मत पानी दीजिए, देख लेना मिट्टी भीगा है नहीं, उसके बाद पानी देना, और कुछ नहीं देना। इसके बाद 1 महीने के बाद इसमें तो खाद डाल दिया,
जो वर्मी कंपोस्ट है वो डाल दिया, 1 महीने के बाद एक्स्ट्रा खाद देना है क्योंकि इसमें फूल आने का टाइम हो गया है, जब गर्मी का टाइम है अभी वे इसमें फूल आइएगा। पहले दिखा दिया फूल कैसे आते हैं, तो इसमें फूल आ जाएगा 1 महीने के बाद। तब क्या करना, जब 1 महीने के बाद वर्मी कंपोस्ट जो है ना इसमें एक मुट्ठी दे देना साइड में, एक मुट्ठी दे देना और थोड़ा ऐसे साइड ऐसे मिट्टी को लूज कर देना, उसके साथ मिक्स कर देना अच्छा से मिक्स करके डाल देना इसमें, और उसके बाद फिर से पानी दे देना। यही काम है और कुछ नहीं। इसमें इंसेक्ट बहुत कम होता है, हमने नहीं देखा है इसमें इंसेक्ट होने के लिए, इंसेक्ट नहीं आते हैं ऐसे ही। तो जब इसमें फूल आते हैं आपका घर एकदम मात हो जाएगा, एकदम भरपूर इसमें स्मेल आते हैं, इतना अच्छा स्मेल आते हैं ये आपको इच्छा होगा कि इसके साइड में बैठे ही रहूं, इतना अच्छा इसका खुशबू होता है। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो देने के लिए। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं ज़रूर आंसर दूंगा उस क्वेश्चन का। थैंक यू वेरी मच।